नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी में बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर से यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर बरपा है। आगरा में झरना नाले की खाई में डबल डेकर रोडवेज की बस एसी बस गिर गई। हादसे के बाद कोहराम मच गया। हादसा एतमादपुर थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लेने के बाद चलती बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। पुल पर रेलिंग भी नहीं थी, बस सीधे नीचे खाई में गिर गई। इस पूरे घटना में अब तक 29 लोगों के मारे जाने की सूचना है। 29 लोगों के शव को निकाले जा चुके हैं, बाकी लोगों की तलाश जारी है। बस में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। बस लखनऊ से जा रही थी। यह डबल डेकर बस दिल्ली जा रही थी और ये अवध एक्सप्रेस नाम की जो लखनऊ के अवध डिपो की बस है, डबल डेकर एसी बस, इसकी दुर्घटना यमुना एक्सप्रेसवे पर झरना नाले की खाई में गिरने से हुई। बताया जा रहा है कि बस में अभी भी यात्री फंसे हैं। मौके पर पुलिस और जिलाधिकारी और एसपी स्वयं मौजूद हैं। राहत कार्य जारी है। वहीं इस घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। वहीं मारे जाने वाले लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।